अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम फहीम है और आज आपके लिए एक वीडियो में फ्रेंड ये 222 रेप ठीक है। अच्छा फ्रेंड, काफ़ी फ्रेंड मेरे जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फहीम भाई के रेपल का इजेक्टर कैसे बनता है, स्टेक्टर रेपल का कैसे बनता है, उसकी जो है हमें वीडियो बनाकर दिखाएं। तो आज इसीलिए जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हम रेपल का जो है इजेक्टर बनाएंगे, किस तरीके से बनता है ये वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रेंड इसको जो है हम खोलेंगे रेपल को, ठीक है। ओके फ्रेंड, रेफल को हमने खोल दिया है, ठीक है। अब इसका काम जो है ख़त्म हो गया, इसको रखते हैं साइड में और अब जो है इसके लिए हम इजेक्टर बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर है नहीं, गुम हो गया है, ठीक है। हम बगैर देखे बगैर किसी सैंपल के जो है इसके अंदर इजेक्टर बनाएंगे, तो आप देखें वीडियो को एंड तक। अच्छा तो ये देखें, ये एक्सेल है, ठीक है। एक्सेल इसका इजेक्टर हम बनाएंगे इसमें से काट कर, ठीक है। अच्छा ये एक्सेल होता है मोटा, सही है ना। आपने क्या करना है, इसको आगे से जो है थोड़ा सा ग्लेंडर की मदद से पतला कर लें इस तरीके से, जैसे मैंने ये कर लिया है। अब ये देखें, ये इसके अंदर जाने वाला हो गया है, ठीक है। इसको मैंने इसके अंदर जाने वाला कर दिया है घिस के इसको पतला करके, ठीक है। आपने भी जो है इसी तरीके से करना है और अब जो है इसको हम यहाँ से काट देंगे, सही है। यहाँ से इसको हम काट देंगे, ओके फ्रेंड। इसमें से जो है हमने ये काट दिया इजेक्टर का साइज, ठीक है। और अब देखें ये इस तरीके से ये इसके अंदर इतना इतना जा रहा है, सही है। इसकी लंबाई देख लें आप और ये इसके अंदर जाने वाला हो गया है, सही है। सबसे पहले तो फ्रेंड हमने क्या करना है, इसके अंदर एक यहाँ पे सुराख करना है, ठीक है। मिटक लगाता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड ये इसको बोलते हैं सेंटर पंच, चूड़ी भी काटने के काम आता है और ये किसी पे लोहे पे सेंटर लगाने के भी काम आता है, ठीक है। इसकी मदद से हम इसके ऊपर एक पंच सेंटर करेंगे, सही है। इसमें पकड़ के इसको इस जगह पे देखें, मैंने इस पे निशान लगा दिए, ठीक है। अब इस जगह पे जो है सुराख करेंगे, यहाँ तक सुराख करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सुराख करेंगे, इतना जो है इसमें स्पेस छोड़ना है, सही है।
ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने यहाँ से जो है मज़ीद पतला कर दिया है, ठीक है, देखिए सही है। अब ये देखें, इसको पतला करने का मकसद ये है कि ये इसके अंदर जो है इस तरह से प्ले देना चाहिए, ठीक है। ये देखिए प्ले दे रहा है, ये काफ़ी अच्छी जो है ये प्ले देने लगी है। खाली जो है देखें, इसको यहाँ से जो है इस तरीके से आपने शेप देना है, सही है। पूरा गोल इजेक्टर इसका नहीं बनता है, ऊपर से भले गोल हो लेकिन नीचे से जो है इस तरह का शेप होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से देखें गोल है, सही है, ताकि मुंह वगैरह इसका बनता है ना इजेक्टर का। अब जो है इसको वापस इसमें लगा कर देखते हैं, ये देखिए मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। अब दूसरा काम इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक सुराख निकालना है ताकि ये रुक सके, पिन इसको ब्रेक स्टॉप कर सके, ठीक है। ये इसको जो है आपने सुराख को एकदम इस जगह पर आना चाहिए इसका, ठीक है। ये देखें इसको पूरा जो है ऐसे लाइन से लाइन मिली हुई हो इस तरीके से, ठीक है। इसको डाला अंदर, डालने के बाद आपने इधर चोट मारनी है, सही है, ताकि निशान आ जाए। बस इतनी चोट मार दी है, बहुत है इसके लिए, अभी जो है इसमें निशान आ गया होगा, ठीक है। ये देख लें सुराग इस तरफ है, निशान इस तरफ है, सही है, ये निशान आ गया और ये सुराग आ गया। निशान जो है इस तरफ से इसका जो है पिन स्टक करने का सुराग निकलेगा, सही है, और इधर तो स्प्रिंग होता है। अभी मैंने इसको वाइस में लगा दिया, ठीक है। वाइस में लगाने के बाद इसके अंदर मैं एक मारूंगा इधर खांचा, ताकि पिन जो है इसकी इसमें रुके। फ्रेंड देखें, एक हमने सुराग निकाला इसका इस जगह पर, ठीक है, दूसरा हमने जो है खांचे इस जगह पर मारा ताकि इसको जो है पिन स्टक कर कर रखे इजेक्टर को और ये इस तरीके से काम करे। इजेक्टर का जो पिन का सुराग होता है, जो पिन रोकती है उसका सुराग साइड में होता है, ठीक है, और जहाँ स्प्रिंग लगता है उसका सुराग ये होता है, ठीक है, वो भी एकदम किनारे पे होता है, सही है। अब देखें इसको हम लगाते हैं,
आपको जो है इतना इतना हम काटेंगे, ठीक है? Thank you.
मेरे फ्रेंड अगर मुझे कुछ बोले कि फहीम भाई ये वीडियो बनानी है तो मैं उसके बारे में सोच लेता हूँ, ठीक है। वो वीडियो बनाने के बारे में मैं सोच लेता हूँ कि ये मुझे वीडियो लाजमी बनानी है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं समझा करें कि आप मुझे बोलते हैं और मैं वीडियो नहीं बनाता, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश फुल करता हूँ कि मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अच्छा तो ये देखें, इजेक्टर मैंने बना दिए, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, एक सुराग इसका इधर करा, ठीक है। उसके बाद जो है पिन इसकी इधर जाती है, ठीक है, और गोली यहाँ फंसती है, ठीक है। तीन स्टेप होते हैं इसके अंदर। पहला, ये सबसे पहला जो है ये सुराग होता है इसका, ठीक है। सबसे पहली सीढ़ी इसकी ये है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सुराग होता है, सही। उसके बाद ये खांचा लगता है। उसके बाद जो है इसका मुंह कुछ इस तरीके से सेट होता है, सही है। ओके फ्रेंड, तो भाई को जो है दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो अब जो है इसको हम फिट करते हैं इजेक्टर को, ठीक है। ये इसका स्प्रिंग है, ठीक है। इसका स्प्रिंग इस तरीके से इसमें जाएगा, सही है। इसके बाद जो है आप इसको इसके अंदर डाल के पिन लगा दें, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो मेरी दोस्तों की जो रिक्वेस्ट होती है वो देखें आप, मैं पूरी कर देता हूँ, सही है। कोशिश करता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं फुल कोशिश करता हूँ कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं पूरी कर दूँ, ठीक है। ये देखें, इजेक्टर रैपल का इजेक्टर स्टेक्टर जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, ये मैंने बना दिए, सही है। ओके फ्रेंड, तो भाई को जो है दुआओं में याद रखिएगा, सही है। ये देख ले आप किस तरीके से ये पकड़ रहा है गोली को, और सही पकड़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये बनता है और मैंने आपको दिखा दिया, सही है फ्रेंड। तो इसको फिट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर कुछ हो इसके अंदर, ये देख ले आप इसका मुंह किस तरीके से बनाया है, सही है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप भाई को कमेंट करें, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल भी इधर स्पेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी। गोली की कॉलर को जो है इजेक्टर ने सही से पकड़ा हुआ है एकदम, सही है, आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, इसको फिट करते हैं रेपल को। नहीं, ये नहीं है। छोड़ दे, मैं उठा दूंगा। ये तो नहीं है, ये ट्रिपल टू है। ट्रिपल टू कौन है? ये तीन ट्रिपल टू का मैं तीन नीचे रखा है, ट्रिपल आई है। ये देखें, ये गोली है, ठीक है। ये इसमें इस तरीके से डालें और इसको
ऐसे छोड़ें, ठीक है। उसके बाद जो है इसको ओके, सही काम कर रहा है ना ये। ये पकड़ लिया गोली को इसने और ये छोड़ दिया, ठीक है। इसका यही काम होता है और ये आपके भाई ने बना दिए फ्रेंड। फ्रेंड इसको एक गोली लोड अनलोड करके चेक करते हैं, ठीक है। ये मैगजीन इसका है नहीं, लेकिन इसके अंदर हम फिर भी चेक कर लेते हैं, सही है। ठीक है फ्रेंड, ये देखो सही है। एक बार फिर चेक करते हैं इसको, ओके फ्रेंड। अब इसके ऊपर एक वायर टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, इसके बाद जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा रास्ता, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। एक बार इसके ऊपर टेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप भाई रे ओके फ्रेंड, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।